Hey guys, welcome to my channel. So, आज मैं आप सभी के साथ अपना नेल आर्ट शेयर करने वाली हूँ, बट वो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं और से करवा रही हूँ. सो मेरे घर के पास में एक लड़की रहती है जो कि मुझसे बहुत ज्यादा छोटी है, बट वो इतने प्यारे नेल आर्ट्स करती है. सो मैंने जब उसका नेल आर्ट देखा मुझे भी बहुत ज्यादा मन हुआ कि एक बार तो भी नेल आर्ट्स मुझे करवाना चाहिए. सो आज मैं वही चीज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ. एक्चुअली वो फेक नेल्स लगाती है, बट इतने रियल लगते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं. जब मैंने उसका वर्क देखा, जब मैंने उसकी फिनिशिंग देखी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा मन हुआ. वैसे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ टाइम से अपने वीडियोस में नेल पेंट बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब से मेरे नेल्स टूटे हैं, बहुत ज्यादा बड़े थे मेरे नेल्स, बट जब से टूटे हैं तब से मैंने नेल पेंट ही नहीं लगाया है, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता है, दो दिन में निकल जाती है. सो इस बार मेरा बहुत मन हुआ कि इस बार मैं नेल्स लगाऊं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं. सो आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली वो चीज, और आप ये भी देख सकते हो किस तरीके से वो वर्क करती है और मेरे हाथों में किस तरीके से नेल्स लगाएगी. और इस टाइप के मुझे नेल्स लगाना है. सो मैं फर्स्ट टाइम ये चीज कर रही हूँ, सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. तो चलते हैं सीधा उसके घर पे. ओके गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मेरे घर के जस्ट बाजू ही रहती है, सो हम पैदल पैदल ही उसके घर गए. सो आप देखोगे कि वो बाहर ही खड़ी थी और उसने बोला कि हाँ मैं आपका वेट ही कर रही थी. तो उसने बोला चलो चल के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने बुलाया था हमें 6:30 को, बट हम 7 बजे गए हम उसके घर पर, तो आधा घंटा हमें लेट हो गया था. ओके, सो आप देखोगे कि इसने सारी प्रिपरेशन जो है वो पहले ही करके रखी थी, ताकि हमें और लेट ना हो. और उसके बाद मैंने उसे डिजाइन दिखाया कि मुझे इस टाइप की थोड़ी डिजाइन चाहिए. सो उसने बोला कि हाँ डिजाइन मिल जाएंगी, बट ये जो कलर है वो बहुत ज्यादा लाइट आएगा. सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कि चलो नेल पेंट कोई और भी कलर का हम लगा सकते हैं. सो उसने ओके बोला. देन यहाँ पर वो अपना काम करने लगी नेल्स का, जो नेल्स में घिसाई वगैरह करते हैं. उसके बाद यहाँ पर उसने नेल्स को शेप में किया, और आई थिंक उसने मेरे नेल्स भी कट किए यहाँ पर. सारा सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि उसने क्या क्या किया. बट यहाँ पर वो शायद नेल्स को घिस रही है, ताकि जो भी वो ग्लू टाइप का लगाए वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए मेरे नेल्स में. देन उसने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने मेरे नेल्स भी कट किए थे, तो यहाँ पर उसने मेरे नेल्स कट कर लिए. देन उसके बाद फिर से उसने मेरे नेल्स को इस तरीके से घिसा. ओके, सो अब बारी आती है कि नेल्स को चूज करने की. सो गाइज, यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मेरे नेल्स के शेप के मतलब उतने जल्दी मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे चाहिए थे थोड़े बड़े नेल्स. तो बड़े नेल्स के हिसाब से उसने थोड़ा सा अच्छी तरीके से मतलब उसने देखा, और उसके बाद ही सिलेक्ट किया कौन कौन से नेल्स मेरे नेल्स में सूट होंगे और कौन से एडजस्ट होंगे. सो देन उसके बाद उसने ग्लू लिया, आई थिंक ये फेविक्विक टाइप का मुझे लगा, मतलब स्मेल से थोड़ा जैसे लगा, बट उनका नेल्स का कौन सा ग्लू होता है, आई थिंक वो थोड़ा कंपनी का था, थोड़ा अच्छा था. सो जिससे उसने नेल्स को इस तरीके से स्टिक कर दिया. देन यहाँ पर एक एक करके वो सारे नेल्स मेरे हाथों में मतलब फिट कर रही थी, उंगलियों में फिट कर रही थी. देन जो फिट नहीं आ रहा था उसको वो इस तरीके से घिस भी रही थी. सो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कि अगर नेल्स फिट नहीं हो रहे हैं, सो उसने डायरेक्ट वो ही नेल्स नहीं लगाए हैं, उसको थोड़ा सा शेप में लाए. देन उसके बाद वो एक एक करके सारे नेल्स को इस तरीके से लगा दी. सो आप देखोगे कि कितने प्यारे नेल्स लग रहे हैं. बट गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि उसने जब मेरे नेल्स को सामने से कट किए, एक्चुअली उसने मुझे बोला था कि वैसे ही नेल्स रखो, बट मुझे स्क्वायर टाइप के नेल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा नेचुरल लगते हैं. ऐसा लगता है कि वो मतलब हमारे खुद के ही नेल्स है, नेचुरल नेल्स लगते हैं. जैसे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे. सो ये स्टेप मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. देन उसके बाद हम एक एक करके नेल्स को मिलाने लग गए, कि मतलब दोनों हाथों के नेल्स जो है वो सेम होने चाहिए. ओके, सो उसने शायद मेरे नेल्स में ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाई, आई थिंक वही है जैसे मुझे दिख रही है और आपको भी जैसे वीडियो में दिख रही है, आई थिंक ट्रांसपेरेंट ही है. बट वो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे नेल पेंट्स, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे. देन सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, ये जो वॉर्म मशीन थी जिसमें नेल पेंट ड्राई होते हैं, सो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. इसका शायद मैंने बूमरैंग भी बनाया था और इंस्टाग्राम में आपको दिखाया भी था. ओके, देन यहाँ पर हमको दशहरा के पेड़े भी खाने मिले. हमने इतना नाना किया, बट उनकी दादी आई और हमको एक एक अपने हाथ से उन्होंने खिलाया. सो वो चीज हमको बहुत ज्यादा अच्छी लगी. सो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स ड्राई हो गए हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने नेल्स को ऐसे ही रखूं, क्योंकि ऐसे ही कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं मेरे नेल्स. ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हाथ में है, और ये चीज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, सो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था. और यहाँ पर नेल
पेंट सिलेक्ट करने की बात आई तो यहाँ पर एक एक करके वो हमें नेल पेंट्स दिखाने लग गए कि कौन से नेल पेंट मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। सो बहुत ज्यादा लाइट लाइट कलर थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी और ये सब नेल पेंट्स में लाइट कलर ही आते हैं उसने बताई, बट मैंने कहा थोड़ा सा मतलब डार्क दिखे, थोड़ा सा पिंक, लाइट पिंक नहीं तो थोड़ा सा डार्क पिंक रहे। ओके देन फाइनल हमने ये नेल पेंट चूज किया कि ये नेल पेंट लगाना चाहिए क्योंकि मुझे लाइट कलर बहुत ज्यादा लाइट लग रहा था, वो एकदम ही मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा नहीं करके लिए थोड़ा सा हाथ में दिखना चाहिए कि हाँ लगाए हमने नेल पेंट। सो यहाँ पर उसने पिंक नेल पेंट लगाई है, सो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की उसके पास नेल पेंट थी, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ओके तो जो भी नेल पेंट मेरे हाथों के मतलब जो आजू बाजू लग गई थी, फिंगर्स में लग गई थी, उसने बहुत अच्छी तरीके से वो क्लीन किया। सो बहुत नीट और फिनिशिंग से मतलब उसने वर्क किया, सो मुझे वो भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी उसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मतलब 90% यहाँ पर मेरा हो चुका है नेल पेंट का, देन यहाँ पर एक फिंगर मेरी बची हुई है, सो उस फिंगर को भी अभी हम कंप्लीट करेंगे। सो आप देख सकते हैं और क्वालिटी नेल पेंट्स की मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, मतलब लोकल नहीं थी और काफी ज्यादा अच्छी थी और शाइन हो रही थी उसमें, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे वो काम कर रही थी यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर जो वेदिका है उसे पता ही नहीं कि वो वीडियो में आ रही है, देन उसको जब पता चला तो उसने बोला कि प्लीज मुझे वीडियो में मत लाओ करके, मैं ऐसी बैठी हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। देन यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर नेल पेंट का मतलब काम हो चुका है और कितने प्यारे नेल्स लग रहे हैं यहाँ पर, एज यू कैन सी गाइज। ओके गाइस तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा यहाँ पर नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, और ये एक्सटेंशन कंप्लीट किया है निशी जयसिंघानी ने जो कि मेरी नेबर है, और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं मुझे। अगर आपको भी नेल एक्सटेंशन लगाना है तो मैं आपको इंस्टा का अकाउंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाके निशी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगे मुझे, एक बार आप जरूर करवाए और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। ओके तो वहीं पर ही हमारी कैट थी तो हमने उसे लिया और अपने साथ उसे घर लेके गए, जैसे कि आप मेरी सिस्टर को देख सकते हो। ओके गाइस सो नेल एक्सटेंशन मैंने लगवा लिया है एज यू कैन सी, विच इज सो ब्यूटिफुली डन बाय निशी जयसिंघानी। एक्चुअली वो न्यू कमर है, उसके हिसाब से उसने बहुत ही प्यारे नेल्स लगवाए हैं। एक्चुअली मुझे इस टाइप के नेल्स लगवाना था, लेकिन जब हमने वहां पर नेल पेंट देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा लाइट लग रही थी, सो पिक्चर्स में वो अलग ही दिख रहा था बट रियल में वो बहुत ज्यादा लाइट कलर था। सो निशी ने मुझे इस टाइप का जो नेल पेंट है वो लगाने के लिए सजेस्ट किया, सो पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया और नेल्स बहुत ज्यादा प्यारे लगे हैं और जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही शेप में मुझे मिले हैं, और जैसे आपने देखा पूरा वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसने मेरे नेल्स लगाए हैं और बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहे हैं। आपको ये एक दिन तो भी हैवी लगेगा, उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। निशी ने जैसे कहा मुझे कि ये 15 से 20 डेज तक आराम से रह जाते हैं, बट किचन में अगर आप जाते हो तो गैस के आपको बिल्कुल पास में नहीं जाना है क्योंकि ये प्लास्टिक के है, ये फेक नेल्स है, सो अगर आप वहां पर जाते हो तो ये मेल्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो जितना हो सके आप थोड़ा सा फायर से, आग से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने नेल्स को थोड़ा दूर रखिए, और थोड़ा सा जो एकदम गर्म वार्म वाटर होता है उससे भी थोड़ा सा बचा के रखना है। अदरवाइज ये नेल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नेल्स उसने लगाए हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे नेल्स वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको भी नेल्स लगवाने हैं, एक्चुअली फेक नेल्स है, और आपको मैं बताना चाहूंगी ये वन हैंड का निशी ने सिर्फ ओनली 350 रुपीज लिए है जो कि बहुत ज्यादा रीजनेबल है। अगर आपको ट्राई करना है, अगर आपने कभी नेल एक्सटेंशन या फेक नेल्स कभी ट्राई नहीं किया है और अगर आपको ट्राई करना है सो आप प्लीज निशी को कॉन्टेक्ट करें, और उसकी इंस्टा की आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज उसे कॉन्टेक्ट करें, और अगर आपको लगवाने हैं सो आप जरूर लगवाए इससे। काफी अच्छी फिनिशिंग है और काफी मतलब प्रोफेशनल टाइप उसने किया है, पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं नेल्स में, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा शाइन है। आपको जिस टाइप के नेल्स के शेप चाहिए उस टाइप के वो आपको दिलवा देंगी, आपको जैसा चाहिए आप उसको बता सकते हो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो अपनी तरफ से भी सजेस्ट करती है कि कैसा लगाना चाहिए, कौन सा नेल पेंट आपके लिए मतलब अच्छा लगेगा आपके हाथ में, सो सब कुछ वो सजेस्ट करती है। सो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले।
प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले आपके मोबाइल पे. ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.